अबे पकड़ा देना सीढ़ी, पकड़ा देना सीढ़ी, पकड़ा देना सीढ़ी, लंगर को पकड़ रहा है यार। पहले जाने पहले मारो ना, मारो ना, मारो ना जान। कांस्टेबल राकेश सिंह। आप कहाँ तैनात? चौकी बरगांव कोतवाली नगर। आज जैसा कि जानकारी मिली, आपने किसी की जान बचाई, क्या मामला क्या था? ये मामला ये था, मैं चौकी बरगांव पे बैठा हुआ था, उसी दौरान थाने इंचार्ज रतन पांडे सर का फोन आया मेरे पास कि माननीय पंडित सिंह के घर के सामने जो ट्रांसफार्मर है उसी पे कोई चढ़ के अपना आत्महत्या की कोशिश कर रहा है। तो मैं चौकी बरगांव बैठा था, उसी समय इंचार्ज साहब के द्वारा सूचना दी और उनको लेके साथ में गया, अपने चौकी इंचार्ज बरगांव साहब को साथ में लेके गया। गया तो वहाँ देखा कि ट्रांसफार्मर पे वो चढ़ा हुआ था, उसको कोशिश किया जा रहा था कि वो आ जाए बाला फुसला के लाइन, तो उसके दौरान लाइन कटवाया गया, सूचना मिलते ही लाइन कटवा के फिर सीढ़ी मंगाया गया और लोगों के साथ मिल के, पब्लिक के, वहाँ के लोगों के साथ मिल के उसको वहाँ से सुरक्षित उतारा गया। आपने कहा कि वो पोल पे चढ़ गया, क्या इसका कुछ कारण पता चला, क्यों चढ़ा था? नहीं, कुछ खास कारण नहीं पता चल पाया कि क्या था, कुछ वो बड़बड़ा रहा था लेकिन साफ साफ पता नहीं चल पा रहा था। एक बहुत अहम बात और अंतिम सवाल राकेश जी, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां थे और आपके यहाँ बहुत सारे लगभग 200 आरक्षी तैनात और तमाम लोग आपके साथ गए, लेकिन आप में ये जज्बा, आप में ये प्रेरणा, ये मिलती कहाँ से, क्योंकि इससे पहले भी आपने कई ऐसे काम किए? जी जी, मेरे आदरणीय श्री रतन पांडे से मिलती है, मेरे चौकी इंचार्ज बरगांव श्री सीपी सिंह है और मेरे माता पिता से ये मिलता है कि हाँ दूसरों को मदद करने में जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बरगांव पुलिस चौकी के बहुत तेज तरार आरक्षी राकेश सिंह, जिन्होंने आज एक व्यक्ति की जान बचाई, वो भी 33,000 चलती हुई इलेक्ट्रिक पोल से।